अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्लीज जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपनी आई को डांस करते हुए देख के। ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब वो बहुत ही प्यारा कपल है, मुझे बहुत पसंद है, और अगर मैं वो कोई रियलिटी शो में जा रहे हैं तो मैं डेफिनेटली फॉलो करूंगी। 1000 एपिसोड्स, मतलब दिस इज़ ह्यूज जेन्युइनली। खूब सारे हज़ारों एपिसोड्स कंप्लीट करते रहें, पार्टी करते रहें और मिलते रहें। हाय भाविका, वेलकम टू टेली बाइट्स। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इतना प्यारा शो है और इस चीज को आप निभा रही हैं, अभी फैंस ने आपको एक्सेप्ट भी किया है इन चीजों को लेके, क्या चेंजेस अब आप देखती हैं जब ये शुरुआत में आपने किरदार निभाया, और अब क्या बदलाव आया? आई थिंक शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टीज हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी इतने इतने फैंस इतना प्यार करते थे सई को, विराट को, पाखी को, कि थोड़ा एक्सेप्ट करना उनके लिए ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि लीप ले लिया शो ने। बट धीरे धीरे उनको हम भी पसंद आने लग गए और उन्होंने हमें भी इतना प्यार वो दे रहे हैं अभी भी, तो अभी और अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है तब आप और खुशी से और दिल से काम करते हो, तो या दैट्स नाइस। लेकिन आप जो ये किरदार निभा रही हैं अभी, तो कितना डिफरेंस रहा है, क्योंकि आपने इससे पहले और भी शोज में इतने किरदार निभाए हैं, इसमें क्या फ़र्क है, और ये आपने अपने अंदर कितनी चेंजेस लाए हैं इस किरदार में? बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है, एंड सो इज़ भाविका। जो होता है वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, तो वैसे ही सभी है। तो मुझे कैरेक्टर प्ले करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ, मेरे पिछले शो से इस शो का जॉनर बहुत अलग है, तो वो तो मेरे लिए अच्छा है कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने में, ऑब्वियसली एक एक्टर को बहुत मज़ा आता है। So, yeah, I loved it. अब क्या फैंस के रिएक्शंस होते हैं? अब तो बड़ा मज़ा आ रहा है उन्हें और हमें भी, बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सबको, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस, 1000 एपिसोड किसी के प्यार के पूरे हुए हैं। यस। और इसमें अब भागीदारी आप भी हैं अब इस हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है जब इतने एपिसोड्स आगे, भले आप आधे में कंटिन्यू करो, बट यू यस 1000 एपिसोड्स, मतलब दिस इज ह्यूज जेन्युइनली। दो हम अभी 100 एपिसोड पहले आए हैं, बट इसका एक हिस्सा रहना भी बहुत बड़ी बात है, एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इसका एक पार्ट हूँ, भले ही छोटा सा पार्ट, लेकिन इट्स ऑल टीम वर्क, हार्ड वर्क, और आई रियली विश एंड प्रे कि हम आगे ऐसे खूब सारे हज़ारों एपिसोड्स कंप्लीट करते रहें, पार्टी करते रहें और मिलते रहें। अच्छा, इनके अंदर जो किरदार जुड़े हुए थे, सही और क्या बोलते हैं, ये लोग थे, तो अब ये जो है हमें डिफरेंट स्टेजेस पे नजर आएंगे और डिफरेंट शोज में नजर आने वाले हैं, जैसे मैं नीति की और ऐश्वर्या की बात करूँ, वो हमें एक रियलिटी शो में नजर आने। अच्छा, आप क्या विश करना चाहेंगे उन्हें? ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब वो बहुत ही प्यारा कपल है, मुझे बहुत पसंद है, और अगर मैं वो कोई रियलिटी शो में जा रहे हैं तो मैं डेफिनेटली फॉलो करूंगी। अच्छा, झलक की अगर बात करें तो आप कितनी इंटरेस्टेड? अभी तक ऐसा कोई मन नहीं है कि मैं कोई रियलिटी शो करूं या झलक करूं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, आगे कभी मन हुआ तो देखते हैं। लेकिन इस शो के लिए, और मतलब जो इस शो में आपकी मॉम दिखाई दी है, हाँ, सही, उनका नाम सामने आया है, दिस इज नॉट कंफर्म बट नाम सामने। अच्छा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपनी आई को डांस करते हुए देख के, और मैं देखूंगी, मैं फॉलो करती हूँ झलक, और झलक स्पेशली क्योंकि मुझे खुद को डांस बड़ा अच्छा लगता है, तो अगर वो जाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ईशान सभी में हमें और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे शो में नज़र आने वाला है? अब तो आप देख रहे होंगे हमारी नोकझोंक चल रही है, तो वैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है आगे, अब तक भी इंटरेस्टिंग ही था, पर आगे और भी आपको हमारे सीन्स काफ़ी देखने मिलेंगे, तो देखते रहिए, गुम है किसी के प्यार में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, आपकी वजह से हमने 1000 एपिसोड कम्प्लीट किए, आगे भी आप प्यार देते रहिए, हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.